वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल के बारे में। हम कैसे उसके थ्रू अपनी मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल हमारे लिए सेफ है या नहीं है, हम उसको कब तक कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। बहुत सारी बातें करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल के बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के बारे में, जिसमें मैंने सारी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर की हैं और जो मैंने चीजें यूज की थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो उसको। ईशान 3 मंथ के थे और मुझे ब्रेस्ट मिल्क आना बहुत कम हो गया था और 3 मंथ में हम बेबी को कुछ भी ऊपर का भी नहीं दे सकते हैं और फॉर्मूला मिल्क ईशान को सूट नहीं कर रहा था, कोई भी फॉर्मूला मिल्क ईशान नहीं लेना चाह रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने हर होम रेमेडी ट्राई करके देखी थी और कोई भी होम रेमेडी उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी जितना रिजल्ट मुझे चाहिए था। एक दिन मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें देख रही थी, रिव्यू कर रही थी चीजों को, लेकिन मुझे कुछ भी सलूशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने एक डॉक्टर से, जो मैं ऐप यूज करती हूँ ऑनलाइन, उस पे मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उनसे ऑनलाइन ही बात की। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और मैंने सारी होम रेमेडीज ट्राई की हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब उन डॉक्टर ने मुझे एक सोल्यूशन दिया जो कि था इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल सच में अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप बिना किसी सोच के उसको ले सकते हैं। क्या था, जब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया फिर मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सर्च की, फिर मुझे भी लोगों ने बताया कि हाँ ये इस तरीके से वर्क करता है और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उन मदर्स के लिए जिनको इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। उन मदर्स के लिए एकदम वरदान की तरह है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब धीरे धीरे बच्चा जब परेशान होने लगता है, उसका पेट नहीं भर रहा होता है, तब हम लोग को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। और फिर हम जो भी हो हम वो सब करना चाहते हैं बच्चे के लिए कि कैसे भी हम अपने बच्चे का पेट भर पाए। तो आज मैं कुछ चीजें बताने वाली हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल के बारे में, क्योंकि हम एज अ मदर सोचते ही हैं कि बच्चा इतना छोटा है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ऊपर से ले रहे हैं तो कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा उससे, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप बेफिक्र होके इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल ले सकते हैं। मैंने लगभग 3 मंथ का था ईशान और जब वो 5 मंथ का हो गया तब मैंने इसको छोड़ा है, मैंने 3 मंथ तक लगातार इसको लिया है और आप भी ले सकते हैं। जब तक आपको लगता है कि आपको बेबी को दूध पिलाना है तब तक आप ले सकते हैं। 5.5 महीने में मैंने ईशान को सॉलिड स्टार्ट कर दिया था, तब मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर ईशान को भूख लगती थी तो मैं उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ खिला देती थी और उसके बाद मैं उसको दूध पिलाती थी, तो इनफ हो जाता था उसके लिए उतना मिल्क सप्लाई, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। 3 महीने मैंने इसको लगातार पिया था और मैंने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने तक इसको कंटिन्यू रख सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जैसे आपने शतावरी सुना होगा, शतावरी मिल्क सप्लाई को बूस्ट करता है, तो मेन तो इसमें शतावरी ही रहता है। एक शतावरी कल्प भी आता है, अगर आप उसको चाहें उसको भी ले सकते हैं। मदर स्पर्श का वरदान आता है, आप उसको चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने शतावरी कल्प और मदर स्पर्श का वरदान देखा है उसमें उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब होता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे हर्ब्स ली है वो एकदम पीस के बस उसको डिब्बे में भर के हम लोग को दे दिया है। वो पीना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट में और मैजिकल वर्क करता है ये मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ, अगर आपको वाकई में मिल्क सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल को ले सकते हो और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेदिक है और इसमें सिर्फ हर्ब्स हैं। और मॉर्निंग में और नाइट में लेती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं 1 ग्लास दूध लेती थी, नाइट में 1 ग्लास दूध लेती थी, और मॉर्निंग में जो आप दूध लेते हैं उसमें भी आप 2 चम्मच इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल को डालिए और रात में अगर आप लेते हैं तो भी 2 चम्मच का यूज करिए, 2-2 चम्मच लीजिए। अगर आपको
आपको लगता है कि हाँ सही काम कर रहा है, फिर उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि कम मत करिए, चलने दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा क्वांटिटी में मिल्क सप्लाई आता है तो फिर आप कुछ टाइम बाद उसको छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत होती है, जो हम होम रेमेडी में करते हैं, जैसे कि इसमें जीरा है, पालक है, शतावरी है, यही सारी चीजें हमें सजेस्ट की जाती हैं होम रेमेडी में कि जीरा खाइए और पालक खाइए, जो भी मिल्क सप्लाई को हमारी बढ़ा सकती हैं वो चीजें खाने को बोलते हैं। लेकिन अगर हम वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है ये, जिससे आप अपनी मिल्क सप्लाई को बूस्ट कर सकती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के। आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक ग्रैन्यूल को, या इसकी जगह पे और भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मैंने मदर स्पर्श का वरदान भी लिया था और एक मैंने शतावरी कल्प भी लिया था, क्योंकि लोगों ने बोला था कि एक बार लेके देख लो, क्या पता वो भी और ज्यादा अच्छा हो, तो मैंने वो भी लिया था। तो उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है आपको, ऑफलाइन आराम से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक ग्रैन्यूल के बारे में, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू वीडियो किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ, बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ आपके साथ अपने बेबी की। तो जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।